गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास फर्स्ट ऑफ हिंदी फर्स्ट। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सब बच्चों, आपको हम कराएंगे आज क्लास फर्स्ट में हिंदी फर्स्ट का अभ्यास प्रश्न पत्र 2। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है दिए गए शब्दों को उनके विपरीत लिंग वाले शब्दों से मिलाइए। तो इसमें देखिए, 2 स्तंभ है आपके, उसमें दिया है पहले वाले में आदमी, लड़का, चूहा, शेर, चाचा, और इसके सामने का जो आपका कॉलम या स्तंभ है उसमें दिया है चाची, औरत, छेनी, लड़की, चूहिया। तो इसको आपको मैच करना है। तो आदमी को करेंगे औरत से, लड़का लड़की से मैच करेंगे, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, चाचा चाची। अब देखिए बच्चों, इसमें हमने जो मैचिंग की है, हमने सामने सामने लाइन खींच के मैचिंग की है ना। लेकिन हम जब कॉपी में करेंगे इसको, तो हम सामने जो है उसका सही आंसर लिखेंगे, तब हम ऐसे नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकवचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो इसमें एकवचन शब्द कौन, जो भी शब्द दिए पहले आप उसे पढ़ लीजिए। माला, चूहे, छाता, पत्ते, मछलियाँ, पंखे, घड़ी, आँख, छाता और कमरे। अब देखिए, नीचे 2 कॉलम बने हुए हैं, पहला है हमारा एकवचन का, दूसरा है बहुवचन का। तो जो एकवचन वाले शब्द हैं वो एकवचन के नीचे लिखेंगे, और जो बहुवचन वाले हैं वो बहुवचन के नीचे लिखेंगे। तो पहला है हमारा माला, माला एकवचन के नीचे लिखेंगे। दूसरा है चूहे, चूहे बहुवचन के नीचे। फिर छाता, छाता आपका एकवचन है। फिर है पत्ते, पत्ते बहुवचन है। मछलियाँ, मछलियाँ यानी कि ज़्यादा हैं तो ये भी बहुवचन है। पंखे, ये भी बहुवचन है। अब है आपका घड़ी, घड़ी एकवचन है। आँख, ये भी एकवचन है। छात्रा, ये भी एकवचन है। कमरे, ये आपका बहुवचन है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोष्ठक में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों, इसमें 3-3 आपको ऑप्शन दिए हैं, ब्रैकेट में जो है आपको 3-3 शब्द दिए हैं, वह, तुम और मैं। तो तीनों को लगाकर देखेंगे, जैसे वह बड़ा होशियार है, तुम बड़ा होशियार है, और मैं बड़ा होशियार है। तो आप देखिए जो सही शब्द क्या है, वह बड़ा होशियार है। ऐसे दूसरा वाक्य है, उसमें है डैश कल आऊँगा, तो आप कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा, तुम कल आऊँगा। तो कौन सा सही वाक्य है हमारा, मैं कल आऊँगा। अब तीसरे में देखिए, क्या झूठ बोलते हो, तो क्या वह झूठ बोलते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या यह झूठ बोलते हो। तो सही क्या होगा हमारा, क्या तुम झूठ बोलते हो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बाज़ार जाना है, तो मैं बाज़ार जाना है, मुझे बाज़ार जाना है, या आप बाज़ार जाना है। तो सही वाक्य क्या बनता है, मुझे बाज़ार जाना है। फिर है आपका सेंटेंस नंबर 5, यानी कि वाक्य नंबर 5, गाना गा रही है, मैं गाना गा रही है, ये सही नहीं लग रहा आपको। वह गाना गा रही है और तुम गाना गा रही है, तो कौन सा सही लग रहा है, कि वह गाना गा रही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छाप कर लिखिए। तो विशेषण वाला चैप्टर सब बच्चों ने पढ़ा है, तो विशेषण शब्द कौन से होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इस वाले वाक्य में क्या है बच्चों, इस वाले वाक्य में है हमारा आकाश नीला है। आकाश कैसा है, नीला है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, विशेषण नीला। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम, फूल सुंदर है, फूल कैसा है, सुंदर। अंगूर पके हैं, अंगूर कैसे हैं, पके। दूध मीठा है, दूध कैसा है, मीठा। राम अच्छा लड़का है, राम कैसा लड़का है, अच्छा। तो यहाँ हम अच्छा शब्द लिखेंगे। अब देखिए, उल्टे अर्थ दर्शाने वाले जो हैं चित्रों का मिलान करना है। तो चित्र में देखिए, एक में आपको पहले चित्र में दिया है एक मोटा लड़का खड़ा है, फिर एक काले रंग का पक्षी है, फिर सूरज है,
फिर एक चिड़िया आकाश में उड़ रही है और नीचे जो है वो पेंसिल, दूसरे में एक सफ़ेद पक्षी है, एक पतला लड़का है, बहुत सारी पेंसिलें रखी हैं और एक लहरी जो है वो ज़मीन पर बैठी है, फिर चांद है आपका। तो इसमें हम कैसे हमने मैच किया, इसके आगे हमने लिख लिया, देखिए मोटे को हमने पतले से मैच किया, काले को सफ़ेद से, सूरज को चांद से, आसमान को ज़मीन से, और ये एक पेंसिल है और इसको अनेक पेंसिलों से किया। तो जब आप कॉपी में करेंगे, होमवर्क में करेंगे, तो आप ऐसे ही शब्द लिखेंगे, मोटा, काला, सूरज, आसमान, एक, उसके आगे लिखेंगे सफ़ेद, पतला, अनेक, ज़मीन और चांद, सही आंसर सही इसके सामने लिखेंगे। और अगर आपको मैचिंग और चित्र भी बनाएंगे, अगर आप मैचिंग करेंगे तो चित्र भी बनाएंगे। अब देखिए आप लास्ट आपका क्वेश्चन बचा है, बहुविकल्पीय प्रश्न, दिए गए चित्रों की विशेषता बताने वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए फल दिए हैं आपको पहले में, दूसरे में विद्यालय है, तो फल का दो ऑप्शन दिए हैं, मीठे हैं या मोटे हैं, तो फल मीठे हैं, मीठे पर टिक लगाएंगे। और दूसरा है आपका विद्यालय, बड़ा है, गर्व है, तो इसमें हम बड़ा है, बड़े है पे हम जो है वो टिक लगाएंगे। तो बच्चों ये आपका अभ्यास प्रश्न पत्र सेकंड जो है ये कंप्लीट हो गया। इसे आप अपनी पहले तो बुक में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसे होमवर्क में कॉपी में करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। और ये हमारी आज की वीडियो बस इतनी है, और नेक्स्ट वीडियो जो है हम उसमें आपको नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, दिन और महीने, ये कराएंगे। तो सब बच्चे जो हैं तब तक क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न पत्र लर्न करेंगे। जिन बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर रखा है वो बच्चे वर्क कंप्लीट करेंगे पिछला वर्क, और जब आपके स्कूल ओपन होंगे तब हम आपका सब वर्क चेक करेंगे, तो आप बिल्कुल सारा काम टाइम पे सही से करेंगे, ठीक है। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।